हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द यू पी एस सी एनालर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़ पेपर अनालस डेट एड ट्वेंटी नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड यहां पर फर्स्ट न्यूज़ है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या कहा है आज हम डिस्कस करेंगे कि होम मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या कहा है अब हम इसको क्यों डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ये आपको भी पता है कि यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए फाइट अगेंस्ट टेरिज्म को हमें स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है बट द पॉइंट ये है क्या आप यहाँ पर आंसर राइटिंग कर सकते हो क्या आपके पास यहाँ पर इनफ की वर्ड्स हैं ड्रॉप करने के लिए कि आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल सकें तो इसीलिए हम ऐसी न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं आपको लग सकता है कि ये इनरेलीवेंट है हो सकता है कि आप अपनी प्रिप्रेशन में न्यू हो इसीलिए आपको नहीं पता हो कि इसको कहां पर यूज कर रहा है लेकिन जो भी हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है सबका कुछ ना कुछ रेलिवेंस होता ही होता है शाह कॉल्स फॉर इकोनॉमिक क्रैकडाउन इन टेर राइज एवॉर्ड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया था यहाँ पर वेल्ट रेफरेंस था कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है पाकिस्तान चाइना को लेकर भी यहाँ पर चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया था लेकिन चाइना के बारे में यह कहा गया था कि चाइना जो है ये प्रोपोजल को ब्लॉक करता है अगर हमें किसी भी टेररिस्ट को एज ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना हो तो चाइना इस प्रोपोजल को ब्लॉक करता है चाइना क्यों ब्लॉक करता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं इसीलिए चाइना नहीं चाहता है कि कोई भी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट किया जाए तो जो हमारे होम मिनिस्टर है इन्होंने ये कहा है कि अगर हमें यहाँ पर टेरिज्म के अगेंस्ट लड़ना है तो हमें अपने जियो इंटरेस्ट से ऊपर उठना पड़ेगा होम मिनिस्टर शाह रीट रेटेड हिज व्यू सेंग दैट सम कंट्रीज हैव मेड टेरिज्म देर स्टेट पॉलिसी तो ये तो है पाकिस्तान एंड कॉलिंग फॉर अ स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक क्रैक डाउन इन सच टेरर हैवेंस सेग दैट टेरिज्म हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्रीज इसीलिए सारे कंट्रीज़ को जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठने की ज़रूरत है तो यहाँ पर कंट्रीज़ को अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखने की जरूरत नहीं है अगर हमें फ़ाइट अगेंस्ट टेरिज्म को स्ट्रांग करना है एंड फाइट शोल्डर टू शोल्डर अगेंस्ट द थ्रेट अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर फाइव प्रॉम्प्ट स्ट्रैटजी बताई गई है टू डील विद टेरर फाइनेंसिंग शाह सेट द स्ट्रैटी टू फाइट टेरर फाइनेंसिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन फाइव पिलर्स तो पहला क्या है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क स्टाब्लिश करना है तो फर्स्ट हमें स्टैब्बलिश करना है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क द स्ट्रैटी ऑफ ट्रेस टारगेट एंड टर्मिनेट इसके अलावा जो लीगल स्ट्रक्चर्स हैं रिलेटेड टू टेरर फाइनेंस इसको यहां पर स्ट्रेंथन और हार्मोनाइज करने की जरूरत है स्ट्रेंथनिंग एंड हार्मोनाइजिंग द लीगल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू टेरर फाइनेंस डेवलपिंग अ अबर्ट्स मैकेनिज्म अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है वर्चुअल एसेट्स का यूज किया जाता है स्ट्रेंथनिंग द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एसेट रिकवरी तो ये यहां पर आपको ये फाइव प्लट पता होने चाहिए कि आप आंसर राइटिंग में यूज कर सको तो फर्स्ट क्या है कॉम्प्रेहेंसि

प्रोपोजल को फॉरवर्ड किया है टू सेटअप अ परमानेंट नो मनी फॉर टेरर सेक्रेटेरिएट इन इंडिया जो कि यहां पर कोऑर्डिनेट करेगा ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट टेरर फंडिंग मोर एफिशिएंटली अनाउंसिंग दैट दिस एट द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस शाह सेट द टाइम इज राइट फॉर अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट तो यहां सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए ये टाइम आ चुका है इंडिया इज पोजिशनिंग इट सेल्फ एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द एंटी टेररिज्म फाइट अब हम यहाँ पर ग्लोबल प्लेयर कैसे बन सकते हैं इन द एंटी टेररिज्म फाइट क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है हमने इस्लामिक टेररिज्म को हैंडल

एट द कॉन्फ्रेंस कुमार कॉल्ड फॉर अस्ट टू टैकल टेरिस्ट फाइनेंसिंग एंड वॉन्ट दैट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एंड कवर्ड मैथड्स टू ट्रांसफर फंड यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स का यूज किया जाता है वर्चुअल किया जाता है फंड को ट्रांसफर करने के लिए जिसको कि ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अब हम चलते हैं आगे थैंक्स टू नेमी बिया फॉर चीता इंडिया अपस्टेन्स ऑन एवरी ट्रेड पोर्ट तो हमने यहाँ पर चीता लिए हैं नेमीबिया से इसके अलावा साउथ अफ्रीका से भी हम चीता लेंगे तो हमने नैबीबिया से चीता लिए हैं आठ अब क्या इसके बदले में हमने आइवरी ट्रेड में अपस्टेन किया है तो आइवरी ट्रेड को लेकर वोटिंग हुई है कॉप नाइनटीन में और वहाँ पर इंडिया ने एक्सटेंड किया है जबकि इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया था इंडिया ने हमेशा आइवरी ट्रेड की अगेंस्ट वोट किया तो इस बार हमने एक्सटेंड क्यों किया क्या अफ्रीकन कंट्रीज हमसे ये चाहते थे क्या नेमीबिया हमसे यह चाहता था कि हम यहाँ पर एक्सटेंड करें और हम यहाँ पर अफ्रीका के प्रोपोजल को सपोर्ट करें अब अफ्रीकन कंट्रीज़ ये क्यों चाहते हैं कि आइवरी ट्रेड को अलाउ किया जाए क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर नेचुरल एलिफेंट्स की डेथ हुई है नेचुरल डेथ हुई है एलिफेंट्स की तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनके पास आइवरी है तो इनको लगता है कि अगर आइवरी का ट्रेड अलाउड हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इसीलिए आइवरी ट्रेड अलाउ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आइवरी ट्रेड अलाउ नहीं था क्योंकि अपेंडिक्स वन में डाल दिया गया था अफ्रीकन एलिफेंट्स को जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड प्रोहिबिटेड हो गया था और इनके पास बहुत सारे आइवरी पड़े हुए हैं जिसका कि ये ट्रेड नहीं कर सकते इनका ये कहना है यहाँ पर आइवरी ट्रेड होगा रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि हम यूज़ करेंगे एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जो तो ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने यहाँ पर अपस्टेन किया है दैट to टू अलाउ अ रेगुलर फॉर्म ऑफ trade ट्रेड इन from फ्रॉम Botswana, South साउथ अफ्रीका एंड was डिफीटेड वैसे भी ये proposal जो है डिफीट हो गया तो COP नाइनटीन कहाँ पर हो रही है ये हो रही है पनामा में इंडियाज एक्सटेंटेशन अ ब्रेक फ्राम इट्स पास स्टैंड वॉज इन ट्यून विद वॉट नेमीबिया हैट आज फॉर वेर इट एग्री टू ट्रांसफर चीताज दिस समर तो नेमीबिया ने शायद ऐसा कहा होगा कि हम आपको चीता दे रहे हैं बस आप एवरी ट्रेड में हमें सपोर्ट कर देना अंडर दैट एग्रीमेंट साइंड इन जुलाई द टू कंट्रीज कमिटेड टू प्रोमोटिंग सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट और एक दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे एट इंटरनेशनल फोरम्स इंक्लूडिंग साइट्स वाई द वर्ल्ड आईवरी वॉज नॉट मैंमीबिया सॉट इंडिया बैकिंग अंडर द कमिटमेंट टू सपोर्ट सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल टू अलाउ ट्रेड इन आईवरी अब आईवी क्या होता है ये तो आपको पता होगा फॉर ओवर थ्री रैकेट इंडिया हैज अपोज द इंटरनेशनल ट्रेड तक कि इंडिया ने एक आइकॉनिक साइट्स का लोगो भी डिजाइन किया था इन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट वे बैक इन 1981 एन ट्रेड को ग्लोबली बैन कर दिया गया था 1989 में वेन ऑल अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन वर पुट इन साइट्स अपेंडिक्स अपन तो यहाँ पर आईब्री ट्रेड को बैन कर दिया गया था अगर साइट्स अपेंडिक्स अपन में किसी भी स्पीशीज को लिस्ट किया जाता है तो ट्रेड यहाँ पर प्रोहिबिट हो जाता है लेकिन ट्रेड यहां पर सिर्फ कमर्शियल रीजन की वजह से प्रोहिबिट होता है अगर कोई साइंट फिक रीजन है कि यहाँ पर कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है तब ट्रेड अलाउड होता है इसका मतलब यह है कि अगर साइट्स के अपेंडिक्स वन में भी स्पीची है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी ट्रेड नहीं हो सकता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए ट्रेड हो सकता है द पॉपुलशन ऑफ नमीबिया बोथ्सवाना वॉर ट्रांसफर टू अपेंडिक्स टू इन नाइन एंड साउथ अफ्रीकाज इन टू नो ट्रेड इज अलाउड इन स्पीचीज़ जो कि लिस्ट है इन साइट्स अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स टू में अगर यहाँ पर स्पीशीज लिस्ट है तो ट्रेड होता है लेकिन काफी ज्यादा रेगुलेटेड ट्रेड होता है इन 1999 नाइन 2008 नामीबिया टू विद जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका तो इनको परमिट कर दिया गया था साइट्स के द्वारा कि आप यहाँ पर वन ऑफ सेल्स कर सकते हो जो भी आपके पास यहाँ पर आइवरी स्टॉक वाइल्ड है आप इसकी वन ऑफ सेल्स कर सकते हो Subsequently, Namibia's proposal for allowing a regular form of controlled trade in ivory by delisting the elephant populations of the four countries from sites appendix 2 was rejected at the COP 27, COP 18. इसके अलावा यहाँ पर COP 19 में भी ये जो proposal है defeat हो गया. Namibia and other southern African countries argue that their elephant populations have bounced back और इनके पास बहुत ज़्यादा stockpile पड़ा हुआ है ivory का तो अगर ये इसको internationally sold करते हैं तो इनके पास काफी ज़्यादा revenue generate हो जाएगा जो कि ये use कर सकते हैं elephant कं रिजर्वेशन के लिए अब हम चलते हैं आगे एग्जेम्पन्स फॉर स्टार्टअप इन डेटा बिल हैव सनसेट क्लास पेनल्टीज मे गो अप लेटर तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि जो सरकार है ये कुछ बिजनेसिस को भी यहाँ पर एग्जैम्प्ट कर सकती है कि इनको यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजन के साथ अडेयर करने की ज़रूरत नहीं है अब हमें आज एक और बात पता चली है कि स्टार्टअप्स को जो ये एग्जेप्शन दिया गया है ये सनसेट क्लास के साथ आएगा कि कुछ सालों के बाद ये एग्जेप्शन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होंगे उनको भी बिल के सारे प्रोविजन के साथ अडेयर करना पड़ेगा The penalties proposed for violating provisions of the recently released draft data protection bill, such as failing to take adequate safeguards for preventing data breaches, will be periodically reviewed. और यहाँ पर ये यह जो penalties हैं, इसको आने वाले समय में increase भी किया जा सकता है। He also said that exemptions carved out in the bill for private entities are aimed at giving a concession to the country's startups. लेकिन यहाँ पर sunset clause होगा. Sunset clause का मतलब यह है कि कुछ time के बाद ये जो exemptions provide की जाएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंटिटीज दैट फेल टू टेक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट पर्सनल डेटा ब्रेकिस तो यहाँ पर फाइन हो सकता है ढाई सौ करोड़ तक का ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं क्या एडिशन हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया कि स्टार्टअप्स को जो यहाँ पर एग्जेम्पन दिया जा रहा है ये हमेशा के लिए नहीं होगा और यहाँ पर यह सनसेट क्लॉज के साथ होगा वाइज द एग्जेम्पन्स फॉर स्टार्टअप मीन दे आर नॉट बर्डन विद वेट ऑफ द सच फाइन्स इनिशियली द सनसेट क्लॉज इंश्योर्स दैट दीज एंटिटीज इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स कम्पलायंस तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टार्टअप्स को जो एग्जिट करने की बात की गई है ये कुछ समय के लिए होगा और बाद में इनको भी बिल से अडेयर करना ही पड़ेगा अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो भी थी हमने डिस्कस कर ली है नॉर्थ ईस्ट माई गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी बॉर्डर विलेज नाउ फर्स्ट विलेज नॉट लास्ट प्राइम मिनिस्टर तो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है उसके बारे में ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इनोग्रेट किया है द प्राइम मिनिस्टर हु द दोने पोलो एयरपोर्ट नियर ईटानगर एंड डेडिकेटेड सिक्स हंड्रेड मेगा वॉट कांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान टू द नेशन सेट कनेक्टिविटी एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विल ब्रिंग अ न्यू डॉन ऑफ डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन और यहाँ पर डोनर मिनिस्ट्री की बात की गई है कि डोनर मिनिस्ट्री को यहाँ पर फॉर्म किया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ द वाजपेयी गवर्नमेंट यहाँ पर बात की गई काशी तमिल संगमम की इसके बारे में हमने एक दिन एक्सप्लेन सेक्शन में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो इसी वजह से क्या होगा जो नॉर्थ साउथ शेयर्ड हेरिटेज है ये यहाँ पर इंक्रीज होगी द काशी तमिल संगम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट री एंड रीडिस्कवर द एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड द काशी अब हम चलते हैं आगे फ्रांस री एफर्म सपोर्ट टू इंडिया फॉर परमानेंट यू सीट तो यहाँ पर यू में रिफॉर्म होना चाहिए और इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए फ्रांस ने इसका सपोर्ट किया है फ्रांस हैज़ रीअफर्म्ड इट्स फॉर इंडिया जर्मनी ब्राजील एंड जापान एज परमनेंट मेंबर्स इन एन एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यहाँ पर यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है फ्रांस पोजीशन इज कांस्टेंट एंड वेल नोन वी वांट द काउंसिल टू मोर रेप्रेजेंटेटिव ऑफ टूड वर्ल्ड इन अ वे दैट फर्दर स्ट्रेंथन इट्स अथॉरिटी एंड इफेक्टिवनेस अब हम चलते हैं आगे गुजरात अ मॉडल नॉट टू फॉलो अब यहाँ पर इस आर्टिकल को हम रीड तो कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो बेसिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि गुजरात का मॉडल जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ गुजरात का मॉडल है नहीं फॉर एग्जाम्पल गुजरात में स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है इसके अलावा आपको इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा गुजरात की ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है नेक्स्ट है टू काइंड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर बात की गई ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट की जो कि एस्टिमेट किया है जिसने डैट 23,000 इंडियन मिलानियर्स हैव फ्लड सिंस 2014 ओवर 8,000 डॉलर मिलानियर्स आर लाइकली टू फ्ली बिफोर दिस ईयर एंड अब लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं तो आप इनको नाम दे सकते हो इकोनॉमिक रेफ्यूजीज का एंड पुअर इंडियंस पे स्मॉल फॉर्च्यून टू ह्यूमन ट्रैफिकर्स टू डेस्परेटली कि यहाँ पर कोई डेवलप्ड कंट्री मिल जाए जहां पर वो जाकर रह सके अब ये लोग इस कंट्री को छोड़कर क्यों जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है इन द समर ऑफ 2014 व्हेन मोदी फर्स्ट बिकेम प्राइम मिनिस्टर ही यूज टू प्रॉमिस व्हेन ही अड्रेस्ट एनआरआई गैदरिंग्स कि यहाँ पर ऐसा इंडिया बिल्ड किया जाएगा कि किसी को भी इंडिया छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और किसी को भी यहाँ पर इकोनॉमिक रेफ्यूजी नहीं बनना पड़ेगा द प्रोमिस रिमेन्स अनफुलफिल्ड एंड वन रीजन इज दैट वी हैव नॉट सीन इनफ स्केल एंड स्पीड वेन इट कम्स टू क्रिएटिंग न्यू जॉब्स तो यहाँ पर नई जॉब्स को नहीं क्रिएट किया गया एजुकेशन सिस्टम को नहीं ठीक किया गया और यहाँ पर

वर सफरिंग कौन कौन से, की से ये यहाँ पर misery सफर कर रहे थे? पहला था जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसी थी हिंदू और यहाँ पर जो मिशनरीज ये इनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे और यहाँ पर कन्वर्जन करा रहे थे द तो उल द ग्रेट टमल एज द मूवमेंट केम टू बी कॉल्ड एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग मुंडा राज उलन ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रम्स दो हजार बीस में आया था ये क्वेश्चन बिरसास फॉलोअर्स बिगिन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ डीको तो डीकू यहाँ पर आउटसाइडर्स के लिए यूज किया जाता था एंड यूरोपियन पावर दे अटैक्ट पुलिस स्टेशन एंड चर्चे एंड रेडेड द प्रॉपर्टी बाई मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स दे रेस्ट द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसाराज मार्च उन्नीस को बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड बाई द ब्रिटिश पुलिस वाइल ही वॉज गोरिल्ला आर्मी और बाद में इनकी डेथ हो जाती है कॉलरा की वजह से सिग्निफिकेंस क्या होता है मुंडा रेबेलियन का तो छोटा नगर टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है इट द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स को यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर ना ले सके तो उसके लिए छोटा नगर टेनेंसी एक्ट उन्नीस में पास किया जाता है इट दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार हम डिस्कस करते हैं उलगुलन ये हमने डिस्कस कर लिया

Died and Munda was in 1900, और कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाती है कॉलरा की वजह से एज द डेथेंट अमंगसडेड और ट्राइबल और छोटा नगर टेनेंसी एक्ट ऑफ नाइन जीरो एट आता है जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑफ द सेल और ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल तो ट्राइबल लैंड के सेल के ऊपर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ट्राइबल ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है अब हम चलते हैं आगे कॉप ट्वेंटी सेवन सेट टू डिलीवर ऑन लॉस एंड डैमेज फंड तो ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है रेडी हो गए कि ठीक है लॉस एंड डैमेज को लेकर एक सेपरेट फंड बनाया जाएगा एक सेपरेट फंडिंग मैकानिजम को बनाया जाएगा द कॉप ट्वेंटी सेवन मीटिंग वॉज ऑल सेट टू डिलीवर ऑन अ की डिमांड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की यहाँ पर एक नया फंड बनाया जाएगा फॉर लॉस एंड डैमेज अब यहां पर बात यह है कि नए फंड को बनाने की बात तो कर दी गई है लेकिन इनका यह भी कहना है कि इंडिया और चाइना जैसी इकोनॉमीज को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो आपको ये बात समझनी है कि ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर एडिशनल बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस ऑफ दीज कॉल्स एवरी कंट्री टू अपडेट देयर क्लाइमेट एक्शन प्लान और यहां पर यह बात की जा रही है कि जो एनडीसी इनको हर साल अपडेट किया जाएगा वैसे यहाँ पर पांच साल में अपडेट किया जाता है लेकिन अब बात की जा रही है कि एनडीसी को हर साल अपडेट किया जाएगा वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस ऑफ दीज कॉल्स एवरी कंट्री टू अपडेट दियर क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर्मलीशनलीवरी है दो हजार पच्चीस टू अर्ज ऑल कंट्रीज टू फेस डाउन यहां पर इंडिया तो यह का कहना था सिंगल आउट क्यों को रहे हो आपन क्यों बना रहे हो सारे फॉसल फ्यूज की वजह से होता है तो सारे फॉसल फ्यूज को यहां पर फेसडाउन करने की जरूरत है ई यू एट द यू एस हेड बीन इंसिसटेंट दैट लार्ज इकोनॉमीज़ मेनली चाइना एंड पॉसिबली इंडिया इनको भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए बोथ दीज कंट्रीज़ जिन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट किया है कि हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड वॉर ग्लोबल पॉलिसी टाइटनिंग स्टिल अनफोल्डिंग तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिले हैं पहला चैलेंज है कोविड नाइन्टीन फिर हमें यहाँ पर वॉर देखने को मिली है और तीसरी बात यह है कि जो कंट्रीज़ है ये अपने इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज़ करें फॉर एग्जाम्पल यू एस जो है लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए जिसकी वजह से जो हमारा रुपी है ये लगातार डिप्रिशिएट हो रहा था सिंस मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेजर शॉक्स कोविड नाइन्टीन द वॉर इन यूरोप एंड द एसिव टाइपिंग ऑफ द मंट्री पॉलिसी अक्रॉस कंट्रीज जिसकी वजह से हमें यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिले हैं नो इन्सेंटिव फॉर गवर्नमेंट टू डू एनी थिंग इन नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर तो कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जो कि यहाँ पर रीवेंट डेटा प्रोटेक्शन बिल है तो यहाँ पर एक कंसर्न है कंसर्न क्या है डेटा प्रोटेक्शन जो यहाँ पर बोर्ड बनाया जा रहा है इसके पास इंडिपेंडेंस नहीं है ये यहाँ पर कोई स्टैटरी बॉडी की तरह नहीं होगी द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंस हैज ऑल्सो बी कॉल्ड इंटू क्वेश्चन हाउ इंडिपेंडेंट विल इट ब तो यहाँ पर आपको एक कंसर्न पता होना चाहिए कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इसकी इंडिपेंडेंस को लेकर यहाँ पर कंसर्न है क्योंकि यहाँ पर जो मेम्बर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो थर्ड पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जो कि यहां पर गवर्नमेंट होगी वेयर डज द बिल्ड प्लेस इंडिया इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनमी तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि एक पॉलिसी को रिलीज किया गया कि नॉन पर्सनल डेटा को यूज़ किया जा सकता है डेटा को हारनेस करने के लिए जो कि यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिशियल होगा वो उस नॉन पर्सनल डेटा का यूज़ कर सकते हैं एंड सून वी विल हैव द डिजिटल इंडिया एक्ट जो कि रिप्लेस करेगा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि नॉन पर्सनल डेटा के यूज़ को लेकर एक पॉलिसी को रिलीज किया गया था कि जो नॉन पर्सनल डेटा है इसको हारनेस किया जाएगा स्टार्टअप्स को यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिले उस डेटा को देखकर नेक्स्ट ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग क्या होता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम्स में इस बार का ही क्वेश्चन था कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है ग्रीन वॉशिंग का मतलब यह होता है कि आप यहाँ पर दिखा तो रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली है या तो आपने यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए ले लेकिन एक्चुअली आपने कुछ किया नहीं ये सब आपके सिर्फ फॉल्स क्लेम्स इसको ही कहते हैं ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग रेफर्स टू तो अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कंपनीज और इवन कंट्रीज इंडल्स इन टू प्रेजेंट मिसलीडिंग और डुबियस क्लेम्स अबाउट दरअर क्लाइमेट एक्शन तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्ट बेच रही है ये कह के कि ये बहुत क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है हमने यहाँ पर एमेस नहीं किया लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है ये कंपनी झूठ बोल रही है तो इसको ही यहाँ पर कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग देर इज अ लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड अब इतनी ज़्यादा ग्रीन वॉशिंग हो क्यों रही है इसका क्या रीज़न है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स नहीं है कोई यहाँ पर स्टैंडर्ड के बाद ये भी नहीं है कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा डबल काउंटिंग हो रही है द वेस्टर्न वर्ल्ड माइट पुट अप सम स्टैंडर्ड्स वी माइट वांट टू पुट अप आर ओन स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पर इवेंचुअली कॉमन स्टैंडर्ड्स लाने की जरूरत है जो कि नहीं है इसके अलावा यहाँ पर डबल काउंटिंग हो रही है इसकी प्रॉब्लम है कोई बेस नहीं है कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू इवॉल्व क्विकली लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है तो अब हम एक बार रिवाइज करेंगे उससे पहले मैं आपको इनिशिएटिव्स बता देती हूँ तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाइलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है तो ये आपको कॉस्ट करेगा हंड्रेड पर मंथ तो पहले आपको टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है उसके बाद आपको प्रोवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स वहाँ पर आपको एवरी चूज करना है यू कैन पे वाई आय पी आई टू द मैंशन यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद टेलीग्राम यूजर आई डी टू द मैंशन ई मेल आई डी सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे इसके अलावा आपको यहाँ पर डेली पीडियफ्स मिलेंगे डेली क्वेज मिलेंगे पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपके प्रॉलम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी इसका प्राइस है टू थाउजेंड पर मंथ अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाई आई टू द मैं यू पी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम ई मेल मोबाइल नंबर प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मैं ई मेल वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज अब हम एक बार रिविजन कर लेते हैं तो फर्स्ट न्यूज हमने रीज की थी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर होम मिनिस्टर ने बात की थी कि हमें जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठना है अगर हमें अपनी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है फिर हमने यहाँ पर फाइव प्रॉन्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस किया जिसमें यहाँ पर बात की गई थी कि हमें यहाँ पर एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को बनाने की जरूरत है इसके अलावा स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेस टारगेट एंड टर्मिनेट उसके अलावा यहाँ पर जो लीगल स्ट्रक्चर से रिलेटेड टू टेरर फाइनेंस इसको हमें और ज़्यादा स्ट्रेन करने की जरूरत है एक रॉबर्स मैकानिजम को डेवलप करने की जरूरत है अगेंस्ट द मिस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

पर जो भी दिए जाएंगे businesses और startups को तो पर पर उसमें होगा कि यहाँ पर कुछ के बाद ये exemptions हो जाएंगे और इनको भी इस बिल के प्रोविजन के साथ करना पड़ेगा फिर हमने यहाँ पर किया था काशी तमिल संगम नेक्स्ट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था फ्रांस सपोर्ट करता है कि इंडिया को यहां पर permanent seat मिलनी चाहिए में लाइफ लेजेंड ऑफ ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा तो यहाँ पर हमने मुंडा रेबेलियन डिस्कस किया उसके बाद हमने बिरसैथ सेक्ट डिस्कस किया तो ये सब आपको पता होना चाहिए उल गुलन द ग्रेट ये आपको पता होना चाहिए एंड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कॉप ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर डिसाइड हो गया कि लॉस एंड डैमेज को लेकर एक सेपरेट फंडिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा लेकिन यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनका यह कहना है कि इंडिया और चाइना को भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है क्योंकि इंडिया और चाइना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक और बात हो सकती है कि हर साल यहाँ पर एन को सबमिट करना होगा और हर साल यहाँ पर एन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा अभी एनडीसी को हर पाँच साल में सबमिट करना होता है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड वॉर ग्लोबल पॉलिसी टाइटिंग ये हम डिस्कस कर चुके हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर यहाँ पर एक कंसर्न किया है तो कंसर्न ये है कि यहाँ पर जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड या डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये यहाँ पर एक स्टैटरी बॉडी नहीं होगी तो हो सकता है कि इसके पास उतनी इंडिपेंडेंस ना हो लेकिन सरकार का ये कहना है इसके पास यहाँ पर सारी पावर होगी और इसके जो ऑर्डर्स है इसको हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है फिर ग्रीन वॉशिंग क्या होता है तो ग्रीन वॉशिंग रेफर्स टू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कंपनीज और इवन कंट्रीज इंडल्ज इन टू प्रेजेंट मिसलीडिंग और डुबियस क्लेम्स अबाउट देयर क्लाइमेट एक्शन कि यहाँ पर कोई कंपनी है जो कि बता रही है कि उसका जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और यहाँ पर अमिशन नहीं हुए लेकिन वो कंपनी यहाँ पर झूठ बोल रही है और यहाँ पर एक्चुअल में अमिशन हुए हैं इसके अलावा गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि हमने इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टेप्स लेकिन एक्चुअली इतना नहीं किया हो तो ये यह सब यहाँ पर झूठ बोलना इसको आप ग्रीन वॉशिंग कह सकते हो क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर झूठ बोलना कि हमने कितने स्टेप्स लिए हैं और एक्चुअली उतना नहीं किया गया हो तो उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव नाइस डे।